अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल्लाह, सेवनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हसन नगर की रहने वाली 10 साला जोइना फातिमा की उस्मानिया हॉस्पिटल में नेचुरल डेथ हुई थी, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स इस लड़की का पोस्टमार्टम करना चाह रहे थे, जिसकी इत्तला मिलते ही याकूतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने वहाँ पहुँच कर उस लड़की का पोस्टमार्टम होने से रुका दिया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अक्रम की ये रिपोर्ट। दस साल बच्ची जैना फातिमा प्राचीन हसन नगर गया आने की वजह से उनको हॉस्पिटल में चली तरह से उस्मानिया हॉस्पिटल में सुबह से डॉक्टर कोशिश करी, डॉक्टर इंतकाल हो गया। हमें एरिए में दौरा कर रखा था, हॉस्पिटल में आके बच्ची का यहाँ इंतकाल हुआ था। यह नेचुरल मौत है इनकी, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे एमरजेंसी लिख दिए पोस्टमार्टम कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये मिले तरफ से अच्छी ऐसी करने में जिसको पाने में की जाए थे या कोई दाखा नहीं पाती डॉक्टरों को इस तरह की तरह देखी जाती है। तो डॉक्टरों से मैंने बताया कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस है, कुछ कंप्लेन है, तो बराबर कराइए। पहले तो 10 साल बच्ची है, माइनर है, और फिर बीमारी की वजह से इंतकाल हुआ, कुदरती मौत है। एमएलसी का केस नहीं है, पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर बदित थे कि पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस से NOC मंगा रहते थे। तो मरुम माँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान थे, इसलिए आके मैं इत्तेजाज किया डॉक्टरों के खिलाफ, और बड़े अफसोस का इजहार किया गया है कि मासूम बच्चों को जिसकी कम उम्र में इंतकाल हुआ उसको पोस्टमार्टम के लिए बेड जरूरी थे, MLC लिख के परेशान किया जा रहा है। इसके लिए मुझे लिखे रहिए कि अगर आप इत्तेजाज के कर बाद में यहाँ के आ रहा बड़े डॉक्टरों ने आके मदालत की और केसशीट लेके उनकी केसशीट पड़ी, डॉक्टरों से बात किए, पूरे मुतमिन होते हो लगा भगत पोस्टमार्टम के बाडी के हवाले रिक्शा के हवाले की। मेरा कहना है कि जो कुदरती मौत होती है उनको MLC की पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं पड़ती, कानूनी एतबार से और मजहबी एतबार से। लेकिन यहाँ पर दूसरा या तीसरा केस है नेचुरल मौत के लोगों को पोस्टमार्टम लिख के MLC लिख के परेशान किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ दवाखाने के बड़े सुप्रीम से कंप्लेंट करेंगे, मिनिस्टर साहब को बोलेंगे कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक्सीडेंट के केसेस है या किसी भी दूसरे केसेस है जिसको MLC जरूरी है उसकी कराई जाए, लेकिन जिसकी मौत कुदरती तौर पर उसको पोस्टमार्टम के लिए पाबंद मत कीजिए, और ये पोस्टमार्टम की गुंजाइश नहीं है इसमें कानूनी एतबार से भी। बड़ा बड़े डॉक्टरों ने बता कर रख करके बॉडी हवाले की, और इंशाल्लाह हमें हादसे पे उनके वाले जन के सफर में बराबर की करी थी उनके सामने, और हम दुआ के अल्लाह सारा मुकाम दे। ये वाकयात का सिलसिला दवाखानों में गरीब लोगों का गुजारा खत्म होना चाहिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
550,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज आपकी आवाज़।